नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किसी भी स्टॉक का एनालिसिस या हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बात नहीं करने वाले। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में जो बहुत सालों से चलता आ रहा है और खास करके उसमें रिटेल ट्रेडर्स हमेशा ज़्यादा फंसते हैं। अब वो स्कैम का नाम क्या है? वो स्कैम का नाम है लिवरेज। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं। मतलब आप जब भी किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हो तो पहले तो ये बहुत कुछ होता था, मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ 6-7 साल पहले की। पहले तो ये बहुत होता था कि जो भी क्लाइंट होता था ना, वो अपने ब्रोकर को पहला तो यही सवाल पूछता था कि भाई मुझे लिमिट्स कितने टाइम मिलेगी। मैं अगर आपके यहाँ पे 50,000 रखता हूँ या फिर मैं आपके पास 1,00,000 रुपीज़ रखता हूँ तो मुझे आपके यहाँ पे लिमिट्स कितने टाइम मिलेगी ट्रेड करने के लिए, उसी को बोलते हैं लेवरेज। तो क्या ये लेवरेज स्कैम है? क्या ये लेवरेज हमारे लिए अच्छा है? इसी के बारे में मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। अभी अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँ ना लेवरेज के बारे में, तो देखो लेवरेज क्या होता है, जब भी आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हो और समझो आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपीज़ है। अभी आज के समय में बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हो गए हैं कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है आपको उतने ही अमाउंट का ट्रेड करने मिलेगा, मतलब आप लेवरेज नहीं ले सकते। तो आपका जो लॉस होता है वो आपके एक्चुअल कैपिटल पे होता है। बट आज से पहले, मतलब आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल थे जिसको हम लोग बोलते थे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो लिमिट्स, या फिर आप इसको लेवरेज भी बोल सकते हो। और वो टाइम पे लेवरेज अवेलेबल थी 5 टाइम्स 10 टाइम्स, और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोकर्स तो ऐसे भी थे 15 टाइम्स 20 टाइम्स भी देते थे। और बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते थे भाई, उनके अकाउंट में 1,00,000 रुपया है बट वो 10-10 लाख से लेके 20-20 लाख का इंट्राडे ट्रेड करते थे। और बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे भी होते थे जो 10 लाख से लेके 20 लाख की डिलीवरी कैरी भी करने देते थे ऑन 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल। इसी के कारण जो अभी नया रूल लाया है सेबी ने, उसके कारण जितने भी नए ब्रोकर है, इसी वजह से अभी आप लोगों को कोई ज्यादा मार्जिन नहीं देता है, या तो फिर आप बोल सकते हो लिवरेज नहीं देता है। तो ये लिवरेज आप लोगों के लिए क्यों खराब है, उसके बारे में मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। लिवरेज के बारे में ज्यादा बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है स्मॉल केस ने। और अगर आप लोगों को स्मॉल केस के बारे में ज्यादा नहीं पता तो ये मैं बता दूं कि स्मॉल केस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डायरेक्ट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थीम बेस्ड हो या फिर आप अगर आप लोगों को लगता है कि कोई सेक्टर आगे चलने वाला है, ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियोज है यहाँ पे। और ये मैनेज करते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सेबी रजिस्टर्ड कंपनी। अभी इसी के अंदर मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगा, ये स्मॉल केस का नाम है आईटी ट्रैकर। अभी अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मुझे आईटी सेक्टर में बहुत ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है। उसका रीज़न क्या है कि अभी आईटी सेक्टर में यूएस के रिसेशन के वजह से अभी एक टेम्पररी अच्छा खासा फॉल आ गया है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अभी हमारे यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप स्मॉल केस में देखोगे तो उनके पास एक स्मॉल केस है जिसका नाम है आईटी ट्रैकर। अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक और इनका वेटेज क्या है। तो ये जो इनका स्मॉल केस है उनके अंदर आईटी के लोग ने 11 स्टॉक खरीदे हैं। इसकी जो रीबैलेंसिंग होती है वो क्वार्टरली होती है। अभी ये लास्ट 15 सितंबर को रीबैलेंस हुआ था और इसकी नेक्स्ट रीबैलेंसिंग डेट है वो 15 दिसंबर की है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 58% इसमें लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में और 41% जितने इसके मिड कैप स्टॉक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप लोगों को मेरी तरह आईटी सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा लग रहा है तो आप ये आईटी ट्रैकर के स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो कि इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 69,604 का है और ये स्मॉल केस ने पिछले लास्ट 7 साल में 21% से भी ज़्यादा CAGR परसेंटेज रिटर्न दिया है। और ये स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को कोई फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। ये स्मॉल केस का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप लोगों को आईटी इंडेक्स आने वाले टाइम में अच्छा लग रहा है और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमें भी आईटी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आप कोई स्टॉक्स में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल केस में आइए और ये आईटी ट्रैकर स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करिए और आने वाले टाइम में जो आईटी सेक्टर में बूम आने वाला है उसका फायदा उठाइए। तो अगर आप लोगों को आईटी ट्रैकर में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके फ्रीली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
तो अभी हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। अभी मैंने आप लोगों को ऐसा क्यों बोला कि लेवरेज एक स्कैम है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। देखो, जब भी आप लेवरेज लेते हो ना, तभी आप अपने मॉनेटरी कंफर्ट जोन से बाहर चले जाते हो। इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया ही थोड़ी देर पहले कि लेवरेज का मीनिंग क्या है। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है और आप 10-10 लाख रुपए के और 20-20 लाख रुपए के ट्रेड ले रहे हो। अब आप जस्ट इमेजिन करो, आपके पास वो पैसे है ही नहीं, पर आप उतने कैपिटल का ट्रेड ले रहे हो जिसको आप मैनेज ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप अपने अपने कंफर्ट जोन के बाहर की वैल्यू के ट्रेड लेते हो जो आपके पास है ही नहीं, तो भले आपका ट्रेड राइट होगा तो भी आप वो स्ट्रेस में आके वो ट्रेड को कट कर दोगे। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। समझो अभी एक स्टॉक है, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ और आप वो स्टॉक की क्वांटिटी 1000 खरीद सकते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी रिसर्च है या जो भी आपका एनालिसिस है उसके बेसिस पे आपको ये लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में ये 130 का प्राइस होने वाला है और मैं इसके अंदर एक अच्छा रिटर्न कमा सकता हूँ। अभी समझो एक पर्सन ए है, उसने भी सेम सोचा और उसने सेम 1000 शेयर्स ले लिए 100 रुपीज़ में और वो अभी अपने अकाउंट में लेके उसने रखा है। अभी आप वो पर्सन बी, अभी आपने क्या किया, आपको कॉन्फिडेंट तो है आपके ट्रेड में, बट आपको क्या करना है, बहुत अभी जल्दी पैसा कमाना है, आपको बहुत जल्दी फास्ट देखना है, जल्दी पैसा कमाना है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। तो आपने क्या किया, आपने 1000 की जगह पे आपने 10000 शेयर ले लिए। अब यहाँ पे यहाँ से हो जाती है प्रॉब्लम शुरू। अब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लेवरेज एक स्कैम है, उसका रीज़न क्या है, जैसे आपने ये 10000 शेयर की पोजीशन ले ली ना, वैसे आप पूरे दुनिया के काम को छोड़ के सिर्फ आप अपने ट्रेड पे फोकस करोगे और आप ये देखोगे कि कभी ये 101 होता है। तो जैसे ये 101 या 102 होगा ना, वैसे आप लोगों को मतलब आपको अच्छा लगेगा, बट जैसे ये अगर 99 या 98 की तरफ जाएगा वैसे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो, और शायद ऐसा हो सकता है कि जब भी वो स्टॉक का वो स्टॉक का प्राइस 95 हो, बिकॉज मार्केट अभी कहीं पर नहीं जा रहा था और थोड़े से छोटे करेक्शन के लिए वो 95 के पास आए। अभी यहाँ पे क्या होगा, भले आपका स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ है, फिर भी आप 95 में इसमें स्टॉप लॉस सेट करा के मतलब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके आप निकल जाओगे, और बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि थोड़े दिन में वो स्टॉक का प्राइस वापस से 130 हो गया। अब जबकि ये मिस्टर ए जिसने सेम ट्रेड लिया था, बट उसकी उसकी कंडीशन क्या थी, उसने सिर्फ 1000 क्वांटिटी ही ली थी जितनी उसकी लिमिट थी। अब ये क्या करेगा, जब 130 होगा तब बहुत ही इजीली बेच देगा। इसने क्यों ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, बिकॉज इसने अपनी कैपेसिटी से बाहर का ट्रेड नहीं किया था, इसके कारण इसने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया। दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अपनी साइकोलॉजी कंफर्ट जोन से भी बाहर आ जाते हो। अभी इससे क्या प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रेड लिया और आप मतलब मार्केट ओवरनाइट आप कैरी कर रहे हो, और वो कैरी करने के बाद क्या होगा, आप अपने घर पे जाओगे, बट आप अभी भी अपने घर पे तो पहुंच गए हो बट एक्चुअली आप मार्केट में ही हो। आप क्या करोगे, वर्ल्ड मार्केट देखोगे, ये देखोगे कि भाई SGX क्या हो रहा है, भाई कहाँ पे रशिया यूक्रेन की वॉर का कुछ इशू तो नहीं हो गया है ना, कहीं पे क्रूड प्राइस बढ़ तो नहीं गया है ना। आप कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ों के बारे में बात करोगे, और आप अपनी फैमिली से भी मतलब आप थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप उससे झगड़ा हो जाएगा आपका, बिना मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर आप झगड़ा करोगे, ये बहुत सारी चीज़ें होगी, आपकी साइकोलॉजी हर्ट होगी और आपकी फैमिली में भी आपके रिलेशन ख़राब होने लगेंगे। अब कोई भी लोग ये समझ नहीं पाएगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ द लेवरेज आप ये सारी चीज़ें करोगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लेवरेज लेना ख़राब है, बट आप जो लेवरेज लेते हो क्या वो आप लेवरेज को हैंडल कर पाते हो, क्या आपकी साइकोलॉजी उसको हैंडल कर पाती है? अगर वो आप हैंडल नहीं कर पाते, अगर वो आपकी साइकोलॉजी से हैंडल नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से लेवरेज आपको नहीं लेना चाहिए। ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका लेवरेज ही होता है, क्योंकि हर रिटेल ट्रेडर को ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत जल्दी पैसा कमाऊँ, और जल्दी पैसा कमाने के लिए वो लोग लेवरेज ले लेते हैं। तो क्या ये लेवरेज लेना हमेशा ख़राब होता है? नहीं, आप लेवरेज ले भी सकते हो, बट उसका एक लिमिट होना चाहिए। भाई अगर आपके अकाउंट की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है तो आप 1,50,000 की लेवरेज लियो, पहले शुरुआत में 1,50,000 तक पहुंचो, फिर 2 लाख तक पहुंचो, अपने साइकोलॉजी लेवल को भी उतना एनहांस करो, उतना उसको भी माइंडसेट को डेवलप करो। बट जनरली क्या होता है, 1 लाख रुपीज़ का अकाउंट होता है और 10 लाख और 20 लाख की हम लोग लेवरेज ले लेते हैं। तो आई होप आज का जो ये हमारा वीडियो है आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड बात करूं और आप लोगों को बताऊं कि लेवरेज हम लोगों को कैसे मार रही है और ये लेवरेज एक रिटेल ट्रेडर के लिए कैसे स्कैम हो सकता है। आई होप आप लोगों को आज के हमारे ये वीडियो में वैल्यू लगी होगी।
अगर आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ भी ऐसी सेम प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोग ये चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।